क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस देश की इकोनॉमी जिस तेजी से गिरेगी उतनी तेजी से समाज के अंदर जहरीले प्रोपेगेंडा का प्रसार होगा। आपको और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसका नुकसान, इसका खमियाजा हमारे मासूम भरेंगे, क्योंकि यह जहरीला प्रोपेगेंडा हमारे बच्चों की नसों में भरा जा रहा है। पाश ने कहा था ना कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज अगर वो जिंदा होते तो जरूर कहते सबसे खतरनाक होता है हमारी मासूमियत का मर जाना। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे इन चार मासूमों के चेहरे के साथ। जी हां, और मैं आपको बताऊंगा कि इन मासूमों का इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था से क्या नाता है। इनमें से सबसे पहले इस मासूम की मैं बात करना चाहूंगा। मैं इसकी पहचान छुपा रहा हूं, और क्यों छुपा रहा हूं आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले सुनिए इस बच्चे को। इसकी वाणी में तेज है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, मगर ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है, यह इशारा कर रहा है कि किस तरह से ईसाई धर्म का नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैं ट्रेन से देख रहा था कि जगह जगह क्रॉस के सिंबल थे। तब मेरे मन में चल रहा था कि ये क्रॉस के सिंबल स्वस्तिक नहीं बन सकते। क्रॉस को स्वस्तिक बनाने के लिए चार ही छोटी छोटी लकीरें चाहिए। इस मासूम की नसों में ये जहर कौन भर रहा है? इसके अंदर ये प्रोपेगेंडा कौन भर रहा है? इतना बड़ा गुनाह आखिर कर कौन रहा है? ये मासूम यहां नहीं रुकता है, आगे जाके ये बच्चा क्या कहता है आप खुद देखिए। क्या आपने कभी सुना है कि श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण की विजय हुई? या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ और कंस की विजय हुई? सुना है आपने कभी? ऐसे ही ये धर्म और अधर्म का महायुद्ध है, ये संत और असंत की महायुद्ध है, और हम इस महायुद्ध में अपने हिंदू संतों को ही विजयी कराएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमें बुरी इसलिए लग रही हैं या कुछ लोगों को बुरी इसलिए लग रही हैं क्योंकि इसका नाता हिंदू धर्म से, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको सुनाऊंगा एक और बच्चे की बात। ये मासूम बच्चा वंदे मातरम गा रहा है अपने ही अंदाज में, मगर इसे सुनने के बाद आपको चिंता नहीं होगी, आप भयभीत नहीं होंगे। सुनिए। वंदे मातरम, यहाँ वहाँ देखती है कहीं कोई चिड़ी जैसा कोई नहीं, असी नहीं तो आज इन दुनिया को है कहीं कोई चिड़ी जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ बस तेरी आज थी, मुझको टीचर बात तुला थी, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी, मैं तुझे सलाम। क्या फर्क था उस बच्चे और इस मासूम में? फर्क यह था कि यह मासूम बच्चा सिर्फ वंदे मातरम गा रहा था या गा रही थी, मगर वो बच्चा जो था उसके अभिभावकों ने, उसके टीचर्स ने उसकी नसों में जहर भरा, जिसके तहत वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ईसाई धर्म को खत्म कर दिया जाए। वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बाकी धर्म जो हैं वो असुर हैं, वो राक्षस हैं। अब मैं आपको आवाजें सुनाना चाहूंगा आलिया और आफरीन की। क्या आप जानते हैं आलिया और आफरीन ने एक कीर्तिमान स्थापित किया? मुस्लिम लड़कियां थीं, मगर ये दोनों गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रही हैं। सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हित सिद्ध सिद्धो समूभूत्वा। मगर दारुल उलूम ने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि गीता के श्लोक पढ़ना जो है वो गैर इस्लाम है।
आपको याद होगा इसी मुद्दे पर एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने डिबेट भी किया था, जहां इस बच्ची को बुलाया गया था और उसके साथ में दो मौलवियों को बिठाया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो जो मासूम जो कह रहा है कि ईसाई धर्म का वजूद खत्म कर देना चाहिए, क्या उसे स्टूडियो पे किसी ने बुलाया? और ये सवाल हिंदू धर्म के जो पंडित हैं उनसे सवाल किया कि आखिर इस तरह का जहर क्यों भरा जा रहा है? दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहूंगा मेरे फॉर्मर कॉलीग और बीबीसी के पत्रकार मिलिंद खांडेकर की ये बात। हाल ही में मिलिंद खांडेकर ने एक बातचीत में बताया कि वो अपने बेटे के साथ अपने सोसाइटी में नीचे चल रहे थे, तब एक दूसरे बच्चे ने उनकी दाढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या आप मुसलमान हैं? पीछे जा रहे मजदूर जिसकी शायद दाढ़ी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए इस छोटे से बच्चे ने कहा कि ये शख्स पाकिस्तानी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के जहर, किस तरह के प्रोपेगेंडा का प्रसार छोटे छोटे बच्चों में भी किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, मेरे एक और मित्र हैं, मुसलमान हैं, पत्रकार हैं। कुछ दिनों पहले उनके बेटे को उनके बेस्ट फ्रेंड ने एक सवाल पूछा, और जानते हो सवाल क्या था? उससे सवाल पूछा गया कि तुम किस भगवान को मानते हो? जवाब में उसने कहा कि मैं अल्लाह को मानता हूं। तो जानते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड ने उनसे क्या कहा कि भाई अगर तुम अल्लाह को मानते हो तब तो तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बावजूद इसके कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी संख्या पाकिस्तान में बस रहे मुसलमानों के लगभग बराबर है। तो आप देख रहे हैं मकसद क्या है यह बताने का। यह मत सोचिए कि यह इक्का दुक्का मिसालें हैं। अपने आसपास निगाह डालिए किस तरह से हमारे घरों के अंदर जो माहौल है हम ये माहौल जहर के तौर पर अपने मासूमों में भर रहे हैं। आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अभिसार जब आप सत्ता से सवाल पूछते हैं तो आपको डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगना है? मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समाज बने जिसमें जवाबदेही हो, एक ऐसी सरकार हो जिसमें जवाबदेही हो, और एक ऐसा समाज बने जिसमें जहर ना हो। मेरा संघर्ष इस बात को लेके है। अब आप खुद इस बात पर गौर कीजिए, अगर इस तरह का माहौल होगा तो देश की इकॉनमी कैसे सुधरेगी? जी हां, वो इकॉनमी जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, और इसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को यह कड़ा संदेश दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि इकॉनमी बेहतर हो तो बदले की कार्रवाई बंद कीजिए। आवर यूथ, आवर फार्मर्स एंड आवर फार्म वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन डिजर्व बेटर। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू डाउन दिस पाथ। Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. देश की इकॉनमी कहां जा रही है उसके लिए आपको समझना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उसने क्या वादे किए थे। आज से एक साल पहले इस सरकार का क्या वादा था? आपके सामने आपके स्क्रीन्स पर यह ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 में किया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। इसमें क्या कह रहे हैं मोदी इसमें कह रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट हैज गिवन अ 9-year लो जीडीपी ग्रोथ इन अ क्वार्टर विथ मॉनसून्स डेफिशिएंट टिल नाउ, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स एज अ नेशन। दोस्तों, अगर इसके अंदर आप यूपीए को काट के एनडीए कर देना तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी वो 5% पर आ गई है। नॉमिनल जीडीपी अपने 18 साल के इतिहास में सबसे कम स्तर पर है। और हमें वादा क्या किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको।
देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज से एक साल पहले दोस्तों, आज से एक साल पहले प्रधानमंत्री ने इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक ये वादा किया था कि 2019 अगस्त सितंबर तक भारत की जो जीडीपी है वो 10% तक हो जाएगी। यही नहीं, उस वक्त के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत की जीडीपी डबल फिगर्स में होगी, हालांकि कुछ शर्तें जरूर हैं उसके साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बिजनेस, अपना व्यापार ईमानदारी से करते रहेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 10% तक बढ़ेगी, ये वादा किया गया था। मगर अब क्या हो रहा है, अब हकीकत आपके सामने है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से चरमरा रही है। आपके सामने ये आंकड़े जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। अगस्त के महीने पर अगर गौर करें तो जो बिक्री है, किस तरह से गिरावट आई है तमाम बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके सामने है। मसलन मारुति सुजुकी की बात करें, यहां 33% की गिरावट है। ह्यूंडई में 9.54% गिरावट। होंडा की बात करें, 51% की गिरावट। टाटा मोटर्स में 58% गिरावट। टोयोटा में 21%, आयकर वॉल्वो में 41.7% की गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 25% की गिरावट और महिंद्रा ट्रैक्टर्स में 17% की गिरावट। प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी को लेकर नहीं है दोस्तों, पूरी जो अर्थव्यवस्था है ना वो चरमरा रही है। मैंने आपको बताया कि ऑटो इंडस्ट्री में किस तरह की गिरावट हुई है, ये आप सब जानते हैं। मगर आपके सामने ये आंकड़े अभी तक किसी ने पेश नहीं किए। आंकड़ा नंबर एक, क्या आप जानते हैं कि जो नकली 500 रुपए के नोट हैं उनमें वर्ष 2018-19 में 121% की बढ़ोतरी हुई है। नकली 500 के नोटों में 121% की बढ़ोतरी। आंकड़ा नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि बैंक फ्रॉड्स में 73.8% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो खबर है वो है 30 अगस्त 2019 की खबर। दोस्तों ये दो आंकड़े मैं आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी गिर रही है, दूसरी तरफ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अंदर से गल रही है, वो पूरी तरह से चरमरा रही है। नकली नोट्स, बैंक फ्रॉड्स में बढ़ोतरी, और इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सरकार क्या कर रही है, उसने बैंकों का विलय कर दिया है। मसलन जो 27 बैंक थे अब वो 12 हो गए। मगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से पेश करना चाहूंगा। दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, मगर सरकार क्या कर रही है, वो सिर्फ सतही परिवर्तन ला रही है। और जब आप सतही परिवर्तन लाते हैं इस तरह से बैंक्स का मर्जर करके, तो जो इसका असर होता है ना वो दूरगामी नहीं होता, फार रीचिंग नहीं होता। मुद्दा नंबर दो, कमजोर बैंक्स का मजबूत बैंक्स के साथ विलय हो रहा है, उनको मिलाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जो कमजोर बैंक्स की गिरती साख है वो मजबूत बैंक्स उठा लेंगे। मगर हमारे सामने इसके बिल्कुल उलट मिसाल है। मिसाल क्या कि जब कमजोर बैंक्स को मजबूत बैंक्स के साथ मिलाया गया तो जो मजबूत बैंक है वो ही धड़ाम से नीचे गिर गए। आपको याद होगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था। क्या आप जानते हैं कुछ दिनों बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर प्राइसेस धड़ाम से गिर गए थे। तो यह मिसाल हमारे सामने है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा नंबर एक, लेबर लॉज में यानी कि श्रम कानूनों में बदलाव लाइए, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव लाइए, टैक्स टेररिज्म को खत्म कीजिए। जी हां, वीजी सिद्धार्थ जिन्होंने आत्महत्या की थी, कैफे कॉफी डे के एंटरप्रेन्योर, वो कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म की एक मिसाल है। माल भाड़ा और शिक्षा, इन दोनों ही क्षेत्रों में सही मायनों में आप रिफॉर्म्स लाइए, सुधार कार्यक्रम शुरू कीजिए। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप में से कई लोगों के लिए यह नई खबर होगी। जहां देश भर की इकॉनमी जो है वो रसातल में जा रही है, हमारा जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी बद से बदतर होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि BTVI चैनल, जिसने अब से 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि उसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है, वो एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार बंद हो गया। क्यों? जाहिर सी बात है, इसकी कई दिक्कतें हैं। अब गौर कीजिए तिरंगा पर, यह है कपिल सिब्बल का चैनल, यह भी बंद हो गया। हालांकि इसके बंद होने की वजह कुछ और भी है।
क्योंकि ये कांग्रेस का चैनल था, इसलिए मोदी सरकार की खास तवज्जो इस चैनल पर थी। एक्सचेंज फॉर मीडिया ने अपने इस आर्टिकल में कहा है कि मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त जो मंदी चल रही है वो अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि करीब 1000 पत्रकारों को नौकरी से हटाया जा चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर अंग्रेजी मीडिया पर पड़ रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं, कई पत्रकारों की सैलरीज बढ़नी बंद हो गई हैं, उन्हें अप्रेजल नहीं मिला है। तमाम जो मीडिया इंडस्ट्री हाउसेज हैं उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि आर्थिक मंदी का असर अब मीडिया उद्योग पर भी पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजनीश सिंह जो पहले न्यूज 18 से जुड़े हुए थे वो अब अपना एचआर फर्म चलाते हैं। उनका ये कहना है कि जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज है यानी कि विज्ञापनों से आने वाला पैसा वो खत्म होता जा रहा है। अब आप खुद बताइए दोस्तों, कोई प्रोडक्ट आप में पैसा क्यों लगाना चाहेगा? पिछले 4-5 सालों में आपने सिवाय समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, आपने सत्ता से कभी सवाल किए नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता खत्म होती गई। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कोई आप में पैसा क्यों लगाना चाहेगा? जैसे कि मैंने बताया, पिछले 4-5 सालों में सिवाय हिंदू मुसलमान, ट्रिपल तलाक, जेएनयू, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसके अलावा आपके मुद्दे कभी मीडिया ने संबोधित नहीं किए और अब भी नहीं कर रहा है। मसलन इस चैनल पर गौर कीजिए। मसलन ये चैनल आपको बता रहा है कि अगर परमाणु हमला हो जाए तब आप क्या करें, यानी कि अगर आप हिंदू मुसलमान डिबेट से नहीं डरे, ट्रिपल तलाक से अगर आप नहीं डरे, तो अब आपको परमाणु हमले से डराया जा रहा है। इसमें पढ़िए क्या कह रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि परमाणु हमले की स्थिति में आप क्या करें, बेसमेंट में शरण लेने के बाद जल्दी से अपने कपड़े उतार कर नहा लें। अरे मान्यवर, आप लोग तो पहले ही अपने कपड़े उतार चुके हैं, विश्वसनीयता के कपड़े उतार चुके हैं। यही वजह है कि मीडिया इंडस्ट्री की यह हालत हो गई है। यही नहीं दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री की भूल जाइए, इकॉनमी की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम का मानना है कि सावन भादों के महीने में मंदी आती ही है। वाह, क्या कहा जाए आपका। यानी कि अगर आप परमाणु युद्ध से बच गए और सुशील मोदी के सावन भादों से बच गए तो यकीन मानिए देश में रामराज्य आ जाएगा, और ऐसा रामराज्य आ जाएगा दोस्तों कि देश में गाय की फैक्ट्री लग जाएगी। गाय की फैक्ट्री, खुद सुनिए। हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। आज इस कार्यक्रम का मकसद क्या था दोस्तों, आप खुद इस बात पर गौर कीजिए। आपके देश में निवेश कौन करने आएगा जब इस देश को रेप कैपिटल माना जाए, इस देश को मॉब लिंचिंग का गढ़ माना जाए, इस देश के बच्चों के नसों में इस तरह से जहर भरा जाए जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, और ऊपर से मीडिया जिसका काम है सरकार से कठिन सवाल करना, वो कठिन सवाल तो दूर, आपको लगातार डरपोक बनाने में लगा हुआ है, आपको भड़काने में लगा हुआ है। ऐसे में इस देश का क्या होगा? मुझे तो लगता है कि कोई चमत्कार ही हमें कोई नई राह दे सकता है, और यकीन मानिए मुझे अब उस चमत्कार का इंतजार है। आप सबसे अपील कि न्यूज चक्र के इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।